रोबोटिक सर्जरी की दुनिया में भारत की एक ऐसी खोज जो किसी भी तरह की सर्जरी को अंजाम दे सकता है। ये लाइव सर्जरी है, डेमो के तौर पर पिग के हार्ट की सर्जरी। मंच पर बैठे डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा की मदद से आखिर ये कैसे मुमकिन है। गुरुग्राम में चल रही ग्लोबल SSI मल्टी स्पेशलिटी रोबोटिक सर्जरी कॉन्फ्रेंस में देश के अलग अलग कोने से 7 अस्पतालों में लगे रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा के जरिए करीब दर्जन भर सर्जरी भी दिखाई जा रही है। उसमें हम लोग 12 या 13 लाइव सर्जरीज भी दिखाएंगे मंत्रा रोबोटिक सिस्टम से, और 6 या 7 अस्पतालों से यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है हमारे टीम के लिए, हिंदुस्तान के लिए, कि एक हिंदुस्तान में बना हुआ रोबोट जो हम लोग बोलते हैं वो मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, हमारा मंत्रा रोबोटिक सिस्टम है वो सारे ऑपरेशंस कर सकता है। और अभी हम लोगों ने 600 से ज्यादा ऑपरेशंस कर चुके हैं इस हमारे मंत्रा सिस्टम से। इस कॉन्फ्रेंस में देश और दुनिया के 150 से ज्यादा नामचीन डॉक्टर शामिल हैं। कोशिश भारत में इजाद दुनिया से काफी सस्ती तकनीक से डॉक्टरों को रूबरू करवाने की है, और ये है SSI माया। दावा है कि माया जैसी तकनीक अब तक दुनिया में कहीं नहीं। इस वर्चुअल रियलिटी टेलीप्रॉक्टर और चित्रासा 3D की मदद से सिर्फ सर्जन ही नहीं बल्कि एक साथ देश दुनिया में बैठे कई लोग मरीज के भीतर चल रही सर्जरी भी देख सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, और कोई स्पेशलिस्ट दूर से बैठे बैठे सर्जरी को लेकर अपने सुझाव भी दे सकता है। अभी मैं एक वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट में हूँ और इसका नाम है SSI माया। सो SSI माया में एक प्रोडक्ट है SSI योग। ये प्रोडक्ट हमें अलाउ करता है कि हम दुनिया में भले ही कहीं पे भी हों, हम एक पेशेंट के अंदर, एक सर्जरी के अंदर क्या चल रहा है उसे देख सकते हैं। सो एक टेलीप्रॉक्टर जो एक सर्जन को हेल्प करता है सर्जरीज में, वो दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहा है, वो अपने टेलीप्रॉक्टर के थ्रू, SSI योग टेलीप्रॉक्टर के थ्रू सर्जन को गाइड करता है कि सर्जरी को किस तरह से अंजाम देना है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। देश के 16 अस्पतालों में 23 से ज्यादा SSI मंत्रा रोबोटिक सिस्टम लगाया जा चुका है। दुबई को निर्यात भी किया जा रहा है और इससे सर्जरी को अंजाम भी दिया जा रहा है। तकनीक जीवन को नई दिशा दे रही है, बीमारी से उबरने उबारने में विज्ञान की गति प्रगति जीवन को नई गति दे रही है। मेडिकल क्षेत्र में अतीत में आ रही मुश्किलों को नए जात ने न सिर्फ कम किया है बल्कि उसमें जिंदगी बचाने और बीमारियों को सुलझाने में भी वो मददगार साबित हो रही हैं। गुरुग्राम से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।